हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे द इनअप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ प्रीवियस ईयर वर्ड मीनिंग का यानी का पहले के एग्ज़ाम में चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो एस हो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो उन सभी एग्ज़ाम में यानी कि जितने भी वर्ड मीनिंग जो पहले पूछे जा चुके हैं मैंने उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उस सीरीज में हम जितने भी वर्ड मीनिंग है। उन सब के मीनिंग्स को और, को और एंटोनियम्स को बिल्कुल बहुत ही रिफाइन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ठीक है तो आज उसी कोर्स का ये वीडियो होने वाली है ठीक है दोस्तों तो मैं उत्तम मिश्रा इस कोर्स को लेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ठीक है चलिए दोस्तों फर्स्ट मीनिंग जो है वो दैट इज इग्रीजियस क्या होगा दोस्तों इंग्रेजियस इंग्रेज़ का मीनिंग होता है शॉकिंग आउटस्टैंडिंगली बैड इसका मतलब होता है मतलब एक ऐसी चीज जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो और वो खराब हो यानी का मैं इसको हिंदी में कह सकता हूँ कि बेहद खराब यानी कि बेहद खराब जो होती है उसको एक्चुअल मीनिंग इंग्रेजियस होगी ओके इसके जो सीनियम्स होंगे मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि मैं सीनोनियम्स और एंटोनियम्स में करवाऊँगा इसके जो सीनानियम्स होंगे वो होंगे शॉकिंग और कंस्पिसियस ओके चलिए सेकेंड वन जो है दोस्तों वो इम्परसेप्टिबल है क्या है इम्परसेप्टिबल इम्परसेप्टिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों वेरी स्मॉल एंड देयर फॉर अनेबल टू बी सीन और फेल्ट का एक ऐसी चीज जो कि इतनी स्मॉल हो कि आप उसको देख भी नहीं सकते और आप उसको फील भी नहीं कर सकते यानी कि बहुत ही अति सूक्ष्म में हम इसको हिंदी में कह सकते हैं अति सूक्ष्म ओके इसके जो सिनोनियम्स होंगे दोस्तों वो इमपैल्पेबल होंगे इनसेंसिबल होंगे और एंटोनियम्स जो होंगे दोस्तों परसेप्टिबल होंगे ऑडिबल होंगे क्लियर होंगे और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले भी मैंने तीन चार लेसन अपलोड किए हुए हैं तो आप पहले उनको भी वीडियो उन वीडियोज को भी देखते चलिएगा ठीक है और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन नहीं किया है तो आप कृपया करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक का जो है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए ओके ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ के पी डी हैं वो टाइमली आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मिलते रहे ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन इज कंसपीशियस कंस्पीसियस क्या होता है दोस्तों ईजी टू सी और नोटिस लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंसन यानी कहा कोई ऐसी चीज़ जो कि मतलब अब देखने में इजी हो आ, इजी टू सी हो और वो आपका अटेंशन को अट्रैक्ट करे ठीक है अगर हम हिंदी में बोले तो कोई ऐसी बहुत ही प्रत्यक्ष चीज़ बहुत ही प्रत्यक्ष चीज उसको आप आंखों से देख भी सकते हो और इतनी प्रत्यक्ष हो कि आपका वो अटेंशन भी बिल्कुल एक वो करें ठीक है और मैं इसकी हिंदी बिल्कुल बताते हुए चल रहा हूँ हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो कि हिंदी मीनिंग नहीं बता रहे ये सारी एक्चुअल हिंदी बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ प्रत्यक्ष इसकी एक्चुअल मीनिंग है ओके विशिष्ट भी जो है इसकी एक्चुअल मीनिंग होगी सीनेयियम्स क्या होंगे दोस्तों सीनेयियम्स होंगे बोल्ड इम्फेटिक ओके इम्फेटिक एंटोनियम्स होंगे दोस्तों इनकॉन्सपीशियस और अनोटिसेबल ओके चलिए अब नेक्स्ट वन की तरह मूव करते हैं कंसील दोस्तों कंसील का मतलब क्या होता है कंसील का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना ठीक okay? है इफ यू आर कंसीलिंग समथिंग दैट इज यू आर हाइडिंग समथिंग ओके टू टू हाइड समथिंग सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों सिनोनिम्स इज डिस्क्यूज बिली बिल एंड एंटोनियम्स इज बेयर डिस्क्लोज़ एक्सपोज ओके okay? और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि वट इज सिने वट इज एंटोनियम्स सिनेम्स इज अयर बाई वर्ड ऑफ समथिंग ओके एंड एंटोनियम्स इज अ अपोजिट वर्ड ऑफ समथिंग यानी का सीनियम जो होते हैं वो नियर बाई वर्ड होते हैं और एंटोनियम जो होते हैं वो नियर बाई अपोजिट होते हैं ओके एंड नेक्स्ट वन वी वी हैव नेक्स्ट वर्ड दैट इज ट्रिवियल ओके वट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रिवियल ट्रिवियल मीन्स नॉट इंपॉर्टेंट और सीरियस अ ऑब्जेक्ट अ मैटर और सब्जेक्ट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट और सीरियस ओके आई होप यूर यू आर गेटिंग माई पॉइंट सीरेयम्स जो होंगे दोस्तों वो नेग्लिजिबल अ थिंग दैट इज नेग्लिजेबल दैट इज अ ट्रिवियल ओके नॉमिनल इज ऑल्सो सीरेम्स ऑफ ट्रिवियल एंड अन इनकंडरेबल इनकन्डरेबल इज ऑल्सो सीरेम्स ऑफ ट्रिवियल्स मीन्स नियर बाई वर्ड ओके एंटोनियम्स मीन्स नियर बाई ऑपोजिट तो हेयर वी हैव एंटोनियम्स ऑफ ट्रिवियल बिग meaningful measure okay i hope you are getting my point in hindi meaning that is a mamuli sadharan touch actual meaning of hindi uh, trivial okay chale. next one next one we have trifling trifling is also a synonyms of trivial okay here you can see that trivial is also a synonyms of trifling what is is actual meaning of uh, trifling is the same as a ट्रिवियल दैट इज स्मॉल एंड नॉट इम्पॉर्टेंट ओके एंटोनियम इज सबस्टेंशियल यू आर गेटिंग माई पॉइंटिंग इज सीजानियम्स वट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिवियल ट्रिवियल मीन तुच्छ मामूली साधारण एंड ऑल्सो द सेम मीनिंग ऑफ ट्रिफिलिंग तुच्छ मामूली साधारण या छोटी चीज ओके चलिए आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ओके एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज हिट द लाइक बटन ओके कन्वेंसनल वट इज़ द कन्वेंसनल कन्वेंसन इज अ वेरी पॉपुलर वर्ड माई माई डेयर स्टूडेंट्स नॉर्मल और ऑर्डिनरी बिलीफ नॉर्मल और ऑर्डिनरी बिलीफ दैट इज एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी लाइक आई एम हैविंग अ एग्जाम्पल लाइक दैट जैसे कि हमारे सोसाइटी में कहते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो नहीं चल के उसको क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए तो वो क्या है एक तरीके से आपको कन्वेंसनल चीज़ें ही तो हैं है ना वो क्या है कन्वेंसनल चीज़ें ही तो हैं ठीक है थीके? तो उसको कह सकते हैं कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है दोस्तों तो पारंपरिक चीज ओके पारंपरिक चीज अगर की बात करें वी हैव करंट पॉपुलर प्रीवेलेंट ओके एंटोनियम्स जिसे अनकन्वेंशनल एंड कैजुअल आई होप एंड आई होप कि आप लोग इस सारे वर्ड को नोट कर रहे होंगे ठीक है डिस्टिनेक्टिव डिस्टरटिव क्या है दोस्तों हैविंग अ क्वालिटी कैरेक्टर दैट सम समथिंग डिफरेंट और इजिली नोटिस यानी कि एक ऐसी क्वालिटी जो कि सबसे अलग तो हो लेकिन ईजिली नोटिस्ड भी हो ओके okay? इसके जो सिनियम्स होंगे वो क्या होंगे दोस्तों कैरेक्टरिस्ट होंगे एंटोनियम्स अलाइक सेम एंड आइडेंटिकल ओके नेक्स्ट वर्ड वी आर गोइंग टू मूव orthodox very popular word what is the mean actual meaning of orthodox orthodox is general accepted belief it is also a synonyms of conventional here we can see that conventional is also a synonyms of orthodox okay and and orthodox is also synonyms of conventional okay and traditional is also a more synonyms of orthodox and conventional okay unorthodox and improper is the antonyms of orthodox okay और व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स मींस परंपरागत ओके एंड नेक्स्ट नेक्स्ट अनदर मीनिंग वी हैव दैट इज कट्टरपंथी अगर आप अपनी विचारधारा को लेके बहुत ज्यादा मतलब सीरियस हो और मानने वाले हो तो आप क्या हुए ऑर्थोडॉक्स पीपल हुए यानी क्या एक तरीके से हम उनको कट्टरपंथी लोग भी कह सकते हो ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड वी हैव मूव सॉरी दोस्तों

ट एंड इनवॉल्व ठीक है चलिए जो होगा दोस्तों सिंपलिस्टिक एंड ओके आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट इन ओके नेक्स्ट वर्ड वी हैव इनएप्ट इप्ट मीन्स एक्टिंग और एक्टिंग और डन विद नो स्किल अ पर्सन पर्सन अ वर्क इज डूइंग विथ नो स्किल दैट इज ही दैट इज ही इज इनएप्टी डूइंग इज हिज वर्क ओके लाइक इसके सिरेनियम्स क्या होंगे दोस्तों इनकेपेबल इन एक्सपर्ट अनस्किल्ड ओके इफ वी आर गोइंग टू मूव एंटोनियम्स दैट इज ट्रेन्ड एंड ओवर क्वालिफाइड ओके एंटोनियम्स इज द ऑपोजिट ऑफ वर्ड ओके नियर बाई ऑपोजिट एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव मूव ओरिजिनल ओरिजिनल काफ़ी पॉपुलर वर्ड है और काफ़ी ईजी वर्ड है इसको लेने के पीछे रीज़न ये है कि मैं चाह मेरा मतलब ये था कि एग्जाम में जितने भी चीज़ें पूछी गई हैं वो सारे के सारे चीज़ें आपको मिले ओके okay? और ये जो वर्ड मीनिंग जितने भी वर्ड मीनिंग है ये वर्ड मीनिंग एस क्लर्क के एग्ज़ाम में आ चुका है 2017 के एस क्लर्क के एग्ज़ाम में आ चुका है ओके okay? तो उसमें ओरिजिनल पूछा गया था तो इसलिए मैंने चाहा कि बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपको जानकारी मिले इसलिए मैंने इसमें ओरिजिनल को भी डाल दिया ओके आई होप मैं जानता हूँ कि आपको ओरिजिनल की मीनिंग पता होगी लेकिन फिर भी आप लोग देखिए ओके ओरिजिनल ओरिजिनल मीन्स अ फर्स्ट कम्पोज अ वर्क कंपोज बाई फर्स्ट हैंड ओके यानी का एक ऐसा काम जो कि मतलब मेनली उसी द्वारा किया उस आदमी के द्वारा किया गया हो जिस जिसने उस काम को प्रोडक्ट खुद ही प्रोडक्टिव प्रोडक्शन किया हो ओके दैट इज अगर उसने रियल तरीके से किया हो और वो फर्स्ट टाइम कर रहा हो तो हम उसको ओरिजिनल बोलेंगे एंटोनियम्स क्या होगा दोस्तों लास्ट एंड फेक इज द एंटोनियम्स ऑफ ओरिजिनल ओके तो दोस्तों आज के सीरीज को हम यही ख़त्म करना चाहते हैं आई होप यू लाइक यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन एंड इफ यू डोंट लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द अनलाइक बटन ओके ऑल सब्सक्राइबर आर वेलकम तो इसी के साथ आपको आपसे विदा लेना चाहता हूँ और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये कोर्स स्टार्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था दोस्तों कि वर्ड मीनिंग जो है ना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है ठीक है मतलब चैलेंजिंग टास्क ये है कि मतलब बच्चों को याद नहीं रहता है ठीक है मतलब अगर आप ये मानिए कि इंग्लिश में अगर वर्ड मीनिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपकी ना एटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें ना अच्छी हो जाती है अब मान लीजिए कि आप पैसेज कर रहे हैं ठीक है अब पैसेज में आपने कोई ऐसी लाइन पढ़ी और उस ऐसी लाइन में कोई एक ऐसा वर्ड मीनिंग डाल दिया गया जो कि आपको आता ही नहीं है ठीक है तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे अब उस एक वर्ड मीनिंग के चक्कर में आपको पूरी लाइन समझ में नहीं आएगी ठीक है तो वर्ड मीनिंग को आप बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिए और ये वर्ड मीनिंग की जो वीडियो है वो हर डेली में डालता रहता हूँ डेली या फिर मतलब एक दो दिन पर मैं डालता ही रहता हूँ तो आप कृपया करके जो भी देख रहे हैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक नोटबुक बनाइए और नोटबुक में सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक बार वीडियो देख के और मतलब मैं बिल्कुल हो जाएगा तो ये नहीं होने वाला एक बार ये वीडियो देख के लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कल या फिर उसके अगले दिन आप ये भूल ही जाएंगे ठीक है अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो आप चार पाँच दिन तक स्टोर कर लेंगे लेकिन लेकिन गारंटीड बात है अगर आप एक एक बार देखेंगे तो आप भूल जाएंगे तो मैं कृपया करके आप सबसे बोलना चाहूँगा कि नोट्स बनाइए नोट्स में लिखिए और रटिए मत रिविज़न कीजिए ठीक है रटना अलग चीज़ है और रिविज़न करना अलग चीज़ है ठीक है तो आशा करता हूँ कि आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम हो मेरा ये कोर्स बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो और एक बात और कहना चाहूंगा अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं और इंग्लिश बाय उत्तम मिश्रा द इनव ओके इस पर आप सर्च करेंगे मैं मिल जाऊंगा उस चैनल को सब ज्वाइन करिए ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि आप उसमें कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं और उसमें सोल्यूशन आपको मिलेगा मेरे मैं खुद आपको पर्सनली उसमें जितने भी जो भी कॉमन वर्ड होंगे या कोई भी ऐसे वर्ड होंगे जो कि आपको मीनिंग नहीं आती मैं उसमें आपका पर्सनली बताऊंगा और जितने भी वीडियो हैं वीडियो को सारी पी डी एफ आपको उसमें मिल जाएगी ठीक है और अभी और व्हाट्सअप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मैं आपको चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा टेलीग्राम के लिंक में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा ठीक है तो दोस्तों एम उत्तम मिश्रा साइनिंग ऑफ ओके बाय स्टूडेंट